वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी टेस्ट नंबर 131 है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 एग्जामिनेशन के लिए। करंट न्यूज़ करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन है, तो बेल आइकन को प्रेस रखना फॉर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। समय कम है, अच्छे से रिविजन करते जाइए डेली। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉवरेन बॉन्ड, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो स्कीम है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को केवल निवासी भारतीय संस्थाओं को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा और बॉन्ड को एक्सचेंजों पर बेचा एवं उनका व्यापार किया जा सकता है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों कथन, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी हो जाएगा। तो बॉन्ड को केवल निवासी भारतीय संस्थाओं को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, बॉन्ड को एक्सचेंज पर बेचा एवं उनका व्यापार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संक्रमण से लड़ने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाओं के विकास और कार्य में शामिल विभिन्न जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होने वाले दुर्लभ विकारों का एक समूह है। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम करेक्ट है। आमतौर पर बबल बाय रोग के रूप में जाने जाने वाला यह रोग विशेष रूप से पुरुषों को प्रभावित करता है। ऐसा है क्या? देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो बबल बाय रोग, जिसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम SCID के रूप में जाना जाता है, यह संक्रमण से लड़ने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाओं के विकास और कार्य में शामिल विभिन्न जीनों के उत्परिवर्तन के कारण होने वाले दुर्लभ विकारों का एक समूह है। देखिए, यह लगभग 200,000 नवजात शिशुओं में से एक में होता है, विशेष रूप से पुरुषों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? देखिए, बीट द प्लास्टिक तो चली गई, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज थी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 की थीम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सभी के लिए, मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर थी। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का तात्पर्य सभी लोगों के लिए सभी जगह बिना किसी वित्तीय कठिनाई के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये याद रखना, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 की थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या से संस्थान विश्व बैंक के समूह का हिस्सा हैं? तो देखिए, IBRD तो है और मेगा भी है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और बहुपक्षीय निवेश गारंटी, दोनों के दोनों हैं, IBRD, मेगा, सी हो जाएगा। तो पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यह मध्य आय और साख विश्वसनीय निम्न आय वाले देशों की सरकारों को उधार देता है। और बहुपक्षीय निवेश गारंटी मेगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसियों को विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास का समर्थन करने, गरीबी कम करने और लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए 1988 में बनाया गया था। तो मेगा आया 1988 में, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में निम्नलिखित सुधार उपायों में किसे रैंकिंग की गणना में शामिल नहीं किया गया? तो कौन शामिल नहीं है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सुधारों की गणना में? विद्युत सुधार भी है, संविदाओं का प्रवर्तन ये भी है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता ये भी है, वस्तु एवं सेवा कर ये नहीं है। तो विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 रैंकिंग में पहली बार भारत की स्थिति में 30 स्थानों का उधार हुआ है, इसके साथ भारत शीर्ष 100 देशों में शामिल हो गया है। देखिए, इस रैंकिंग में सरकार द्वारा व्यापक सूचनाओं के संदर्भ में किए जा रहे सुधारात्मक उपाय की जानकारी मिलती है। इस रिपोर्ट में वस्तु एवं सेवा कर GST जैसे मानदंडों को शामिल नहीं किया गया, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में समर्थन के लिए सकल मापन समाचारों में था
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है सकल मापन, तो ये संबंधित है WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो समर्थन के लिए सकल मापन एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट फॉर सपोर्ट AMS एक सूचक है जिस पर विश्व व्यापार संगठन WTO के अंतर्गत कृषि पर उरुग्वे दौरे की वार्ता उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के लिए घरेलू समर्थन व्यवस्था आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबक केवल आर्द्र स्थानों में उगते हैं, ऐसा नहीं है कि आर्द्र स्थानों में उगते हैं। कबक के कारण मानव मस्तिष्क में ज्वर हो सकता है, देखिए ये करेक्ट है। वैसे तो मानव मस्तिष्क में जो ज्वर है वो केवल मतलब अधिकतर केवल नहीं अधिकतर बैक्टीरिया से होते हैं, लेकिन कबक से भी हो सकता है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। कबक एवं सूक्ष्म जीवाणु अंतरिक्ष में भी उत्पन्न हो सकते हैं। इन जीवों को सूचीबद्ध करने के लिए कई अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमुख रूप से मस्तिष्क ज्वर जीवाणु जनित रोग है, लेकिन कबक को भी मानव में मस्तिष्क ज्वर का कारण पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को जारी करता है। UPSC में पहले पूछा हुआ ये प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सर्वेक्षण है जो वर्ष में दो बार जारी किया जाता है, मतलब एक वर्ष में दो बार जारी किया जाता है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वायत्त पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम हेतु एकीकृत प्लेटफॉर्म और पोर्टल है, गलत है। यह स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। स्वायत्त जो है ना स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। तो देखिए स्वायत्त स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। स्वायत्त गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के माध्यम से स्टार्टअप महिला और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। स्वायत्त भारतीय उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय उद्यम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ जोड़ने का काम करेगा। अंतिम प्रश्न है, उदय उज्ज्वल डिस्काम इंश्योरेंस योजना के संदर्भ में विचार करना है। इसे वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्त अक्षमताओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, करेक्ट है। बिजली क्षेत्र में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण यह योजना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य की गई है। देखिए सभी राज्यों के लिए नहीं है, राज्य अपना चुनाव इस योजना के लिए खुद कर सकता है जिसको आवश्यकता होगी। पहला करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। तो उदय उज्ज्वल डिस्काम इंश्योरेंस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका लक्ष्य कम ब्याज लागत बिजली की लागत में कमी, राजस्व में वृद्धि और बेहतर परिचालन क्षमता के रूप जैसे लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से देश भर की वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्त अक्षमताओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। उदय भागीदारी के लिए स्वैच्छिक योजना है और जिसमें राज्य अपनी इच्छा से शामिल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे राज्यों को इसमें शामिल होना है। तो 10 के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, अच्छे से इनको रिविज़न कीजिए। करंट अफेयर्स का, इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनमें समय कम है, रिविज़न ही आपके काम आएगा। पोथी पढ़ने का समय गया, अच्छे से रिविज़न करिए, टेस्ट लगाइए, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आती है तो। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए फॉर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।